रसूल भाई सैयद। हाँ सैयद बोलो। कोई खबर आई? अभी तक तो नहीं। कहीं प्रोग्राम कैंसिल तो नहीं हो गया? मालूम नहीं। आप कह रहे हो कि आपको मालूम नहीं है तो फिर किससे मालूम होगा रसूल भाई? यहाँ मैंने अपनी बीवी बच्चों को भी भेज दिया है और आप कह रहे हो कि आपको मालूम नहीं। फालतू की बकवास मत करो सईद, होश पे काबू रखो और मेरे फोन का इंतजार करो। आराम साधे। गलती हो गई सर, मेरी बीवी है रहम हुजूर रहम। वो खाना बनाएगी सर, सब काम करेगी, वो खाना बहुत अच्छा बनाती है सर, आप जो चाहेंगे करेगी। जान बख्श दीजिए सर, जान बख्श दीजिए। हाँ सर बोल। हाँ वरुण, जो एक्सप्लोसिव तुमने पकड़े थे और जो चेक पोस्ट की बॉम्बिंग में इस्तेमाल हुए थे, दे बोथ द सेम RDX C4। और यही नहीं, वो जो आदमी बैग छोड़कर भागा था चेक पोस्ट पर, वो भी वहाँ था। आसिफ, PM की असासिनेशन में टेररिस्ट इन्वॉल्वमेंट है, हमें और प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। ये बता,
खबरी क्या कह रहे हैं? किसी को कुछ नहीं मालूम। किसी ना किसी को तो मालूम होगा। तुम लगे रहो, मैं भी ट्राई करता हूँ। क्या सोच रही है? यही ना कि वरुण क्या सोच रहा होगा, क्या सोच रहा होगा बेचारा, कि उसकी बीवी को किसी और से प्यार हो गया। पुअर गाय, पुअर गाय। लेकिन ऐसा तो होना ही था। एक अनजान आदमी को लिफ्ट जो दी तुमने, कुछ तो देखा होगा तुमने मुझ में। Some spark, some fire somewhere, वरना इतनी देर पार्टी में फ्लर्ट नहीं करती तुम मेरे साथ। सच है ना रोमा? किसी की तरफ फिजिकली अट्रैक्ट होना कोई बुरी बात तो नहीं है। अभी तो इंसान की फितरत है, नेचर है, आदमी हो या औरत। कितने महीनों से साथ नहीं हो तुम वरुण के यहाँ? कितने महीनों से? अंदर जाके तैयार हो जाओ, नाथ के अवार्ड फंक्शन का टाइम हो चुका है। तो मदद करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, इसीलिए मैं यहां आया हूं। आप मेरी मदद चाहते हैं या नहीं, यह फैसला आपको करना है। See, I know how busy you must be, तो मैं तो दोबारा मिलने की कोशिश नहीं करूंगा, बस आप एक फोन कर दें मुझे। That'll be enough. बस इतना कि आप चाहते हैं कि मैं देश सेवा करूं। मैं समझ जाऊंगा कि हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग हो गई। सम मोर कॉफी मिस्टर नाथ? ओह नो थैंक यू, ओके। वेल मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा प्रधानमंत्री जी। थैंक यू। इस देश सेवा के बदले में नाथ चाहता क्या है? सर इनकी पीएमओ में एक फाइल फंसी हुई है, सबमरीन्स का कॉन्ट्रैक्ट है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने वो फाइल क्लियर कर दी है, लेकिन ऑडिट सेक्शन के कुछ ऑब्जेक्शंस हैं। आपके कह देने से इनका काम हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट कितने का? 6,500 करोड़। और नाथ को ये कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने की वजह? यही कि अगर डील कंपनी से डायरेक्टली की जाती है तो सबमरीन्स तकरीबन 3,500 करोड़ की पड़ेंगी। और इस नाथ को मैं आज सम्मानित करने जा रहा हूं। सर, यादव जी भी आ गए हैं सर। ओह फैंटास्टिक, भेजिए उन्हें। हाँ सर बोल। वरुण, बिस्वास जावेद दुरानी को रिलीज कर रहा है। व्हाट?
ब्लडी हेल, ये बिच्छू दुरानी को छोड़ने में इतना इंटरेस्टेड क्यों है? आई डोंट नो, ऊपर से कुछ प्रेशर है शायद। मेनका की बात भी हुई उससे। ये मेनका इस केस में इन्वॉल्व क्यों हो रही है? व्हाट नॉनसेंस यार। तू एक काम कर, बिच्छू को लाइन ट्रांसफर कर। बिच्छू मीटिंग में। वरुण है? हेलो वरुण, मेनका। मेनका, तुम दुरानी के केस से दूर ही रहो। ये तय करना तुम्हारा काम नहीं है वरुण। मेनका, मैं नहीं जानता कि रॉ में हो क्या रहा है, लेकिन अगर तुम लोगों ने दुरानी को रिलीज किया तो क्या? प्रधानमंत्री जी, अब पानी सर से ऊपर चढ़ चुका है। अरे फैसला तो आपको करना पड़ेगा अनिरुद्ध प्रकाश जी। चौधरी को आप वापस लेंगे नहीं क्योंकि वो भ्रष्ट है। नाथ को आप एमपी खरीदने नहीं देंगे क्योंकि आप भ्रष्ट कहलाएंगे। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता और है क्या? अनिरुद्ध प्रकाश जी, एक रास्ता है यादव जी। सोनकर जी हमारे पार्टी को समर्थन देना चाहते हैं। अरे वाह, आप तो हमसे भी दो हाथ आगे निकले। विपक्ष के नेता सोनकर के साथ साठ गांठ ना? और बदले में सोनकर जी क्या चाहते हैं? आपकी कुर्सी। हुआ है क्या यादव जी? मैं बैकआउट करता हूँ इस मीटिंग का। यादव जी, यादव जी सुनिए तो। कुछ नहीं सुनिए। यादव जी सुनिए तो मेरी बात। यादव जी, सविता जी आप मुझे मीटिंग में नहीं जाना है, मैं बैकआउट करता हूँ। यादव जी ये वक्त नाराज होने का नहीं है। तो फिर आप अनिरुद्ध प्रकाश को समझाती क्यों नहीं? प्रधानमंत्री है, कोई शहंशाह नहीं है। यादव जी उनको समझाने की कोशिश तो कर रहे हैं ना, कर ही रहे ना, पर आप फिक्र क्यों करते हैं? वो सोनकर के साथ नहीं हाथ मिलाएंगे क्योंकि वो भी भ्रष्ट है। यादव जी प्लीज। क्या हुआ, रिपोर्ट आ गई? नहीं, आई मीन पता नहीं। अमन, अगर मैं प्रेग्नेंट हुई और दीदी ने डर के फोन नहीं किया तो? अमन, अगर मैं प्रेग्नेंट हुई तो? शादी कर लेंगे। कब? तुम रॉ से छुट्टी दिला दो अभी। अमन, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सब कुछ नॉर्मल हो और शायद इसीलिए दीदी ने फोन नहीं किया। टीना, तुम क्या चाहती हो? पहले तुम बोलो, अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई तो? फिर तो शादी करना और भी जरूरी है। अमन प्लीज। बस मिस्टर दुरानी, थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज और फिर आप फ्री। इसे साइन कर दीजिए प्लीज। डोंट वरी, रिलीज फॉर्म्स ही हैं। वी सॉरी मिस्टर दुरानी, आप जैसे रिस्पेक्टेबल बिजनेसमैन के साथ जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। इस तरह की हरकत से आपके मुल्क का ही नाम खराब होता है। We are sorry, sir. Please. Mr. Durrani, please. आप कुछ लेंगे? ठंडा दे रहा हूं। No thanks. मेरी इतनी खातिरदारी यहां हो चुकी है कि अब तो आप जल्दी से जल्दी मुझे यहां से आजाद कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। I understand.
माय अपोलॉजीज वंस अगेन। मैंने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑलरेडी ऑर्डर कर दी है। आपके केस में जो भी गिल्टी है उसे सजा जरूर मिलेगी। मिस्टर दुरानी आप आजाद हैं। मेनका प्लीज। यस कम मिस्टर दुरानी। बस कुछ देर और मिस्टर धुरानी, गाड़ी आती ही होगी। टाइम क्या हुआ है? करीबन 8:20। आ गए यादव जी। बैठिए जनाब। तो कहिए पीएम साहब, क्या करना है? करना क्या है? फोन करना है। ये रहा फोन। नाथ से बात कीजिए और सरकार बचाइए। आप लोग ये बार बार देखिए, मैं आपकी भावना की कदर करता हूं, पर ये काम मुझसे नहीं होगा। प्लीज। हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने को तैयार हूं। अनिरुद्ध प्रकाश जी, आप कुछ थके थके से लग रहे हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए, बाद में बात करते हैं। जैन, ये तुम कैसी बातें करते हो? मेरी बात समझने की कोशिश करो अनु। अनिरुद्ध, आई एम सॉरी सविता जी। सर, आपने आपने दुरानी को छोड़ दिया? हाँ, पर उसे दोबारा उठा सकते हैं? दुरानी के टेररिस्ट होने का एक सबूत ला दो मुझे। जस्ट वन डैम पीस ऑफ एविडेंस। दिल्ली क्या, इंडिया में कहीं भी होगा, मैं दुरानी को अरेस्ट करके तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा। सर, आपको अपने ऑफिसर्स को सपोर्ट करना चाहिए और आप गट फील सबूत नहीं है वरुण। किसके प्रेशर में आके आपने दुरानी को छोड़ा है सर? वरुण, अपनी जबान पर काबू रखो, समझे? आप अपने एक्शन पे काबू रखिए, मैं अपनी जबान पे काबू रखूंगा सर। हिम्मत तेरी। सर, काम करूं और गाली भी खाऊं, इतना महान नहीं हूं मैं सर। अगली बार गेट आउट। तो रानी को तो मैं कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा सर, कहीं से भी। I said get out! Have a good day, sir. वरुण, वरुण एक मिनट। मिस मेनका, अपनी एक्सक्यूजेस अपने पास ही रखो। बात तो सुनो। क्या सुनो? तुम लोगों ने दुरानी को छोड़ना था, छोड़ दिया। हैप्पी एंड ऑफ द मैटर। तुम चाहती क्या हो मेनका? जस्ट लीव मी अलोन, डैम इट। कूल डाउन वरुण। मेनका, मेरा दिमाग बहुत खराब है, जस्ट लीव। जावेद दुरानी। मेनका प्लीज। अभी भी एसीटी में ही है।
व्हाट? जावेद दुरानी एक घंटे पहले निकले या एक घंटे बाद? डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तुम्हारे खिलाफ तो होनी ही है। बेहतर होगा तुम मुझसे एक बार बात ही कर लो। कहाँ दुरानी? मेनका, आई एम सॉरी। तुम क्या अनु को लेकर परेशान हो? क्या किया उसने? अरे कोई तो बात होगी अनिरुद्ध कि तुम इतने परेशान हो, वरना तुम इस तरह रिएक्ट नहीं करते। अरे कोई बात नहीं है सरिता जी, बस रात भर सोया नहीं तो दिमाग सुस्त हो गया। अनिरुद्ध तुम पॉलिटिशियन तो हो नहीं, झूठ बोलना तुम्हारे बस की बात नहीं है। कोई तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। नहीं ऐसे। ओह सॉरी। अरे अंजलि आई है ना? नहीं आप लोग काम की बातें कर रहे हैं। मैं नहीं नहीं आई है प्लीज, मैं आपको बुलाने वाली थी। आइए। ये हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वो हमारी बात तो सुनते नहीं है, शायद आप ही इन्हें कुछ समझा सकती है। बैठिए ना। मैं कोशिश करती हूँ। नाथ तैयार बैठे हैं, इन्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ फोन उठाना है और हाँ कहना है और इस देश का 3,000 करोड़ का नुकसान करवाना है बस। आप 3,000 करोड़ रुपयों के बारे में सोच रहे हो प्रधानमंत्री जी? मैं इस देश के 100 करोड़ लोगों के बारे में सोच रही हूँ। सविता जी, एक भ्रष्ट आदमी के हाँ बख्शी। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, एक औरत फोन पर है, आपसे अर्जेंटली बात करना चाहती है। कौन है? सर नाम नहीं बताना चाह रही है वो। ऐसे फोन्स का क्या करना है बख्शी, तुम्हें मालूम है ना? सर मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। यस बख्शी। सॉरी सर बट आप ये फोन ले लीजिए, बात अन्नु की है। हाँ मैंने वो फाइल्स पे साइन किए थे लेकिन उसे मालूम है अन्नु कहाँ है? लगता तो ऐसा ही है सर। बात करवाओ। सॉरी सर उसने फोन काट दिया, लगता है दोबारा करेगी। थैंक यू बख्शी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं टीना। तुम्हें वो सेजपाल याद है? हाँ वो कनाडा वाला ना? हाँ वो कनाडा वाला। सेजपाल अब भी रोमा के साथ है घर पे। ओ पुराने दोस्त हैं क्या? शट अप टीना, कल रात नाथ की पार्टी में वो रोमा से पहली बार मिला था, मुझे वो आदमी ठीक नहीं लगता। मैं जानता हूं कि रोमा अभी कुछ नहीं कर रही है लेकिन वो खुद भी बहुत टेंशन में है। मेरी गट फीलिंग कह रही है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, बहुत बड़ी गड़बड़। तो तुम यहां क्या कर रहे हो? गया था मैं दो बार और दोनों बार रोमा ने मुझे डिस्कस्टिंग, वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। शी थिंक्स आई एम जेलस। वरुण अगर तुम्हें इतनी टेंशन हो रही है तो मैं घर जाकर चेक कर सकती हूँ। Not a bad idea. A friend in need is a friend indeed. मैं अरेंजमेंट्स करता हूँ। And you relax, okay? Thanks. Monica. Anu, इधर।
No, Mr. Agnihotri, you listen to me. PM Security सिर्फ SPG की responsibility नहीं है. पूरे auditorium पर नजर रखने के लिए उन्होंने सिर्फ 4 CCTVs लगाए हैं. पूरा auditorium covered होना चाहिए, okay? Corridor, entrance, press gallery, every single corner, understand? हाँ, मैं floor map fax कर रही हूँ. मैं आपको बाद में फोन करती हूँ. हाँ, वरुण. जावेद दुरानी को रोकने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया. बोलकर भी थैंक्स कह सकते थे मिस्टर अवस्थी. हाँ, अगर तुमने मौका दिया होता तो. वैसे मेनका, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा. मुझे समझना इतना भी मुश्किल नहीं है वरुण. तुमने कभी कोशिश ही नहीं की. और वैसे तुमने दुरानी को रोका क्यों? यस, आसिफ, मेनका, वरुण, गाइस, अभय सिन्हा का फोल्डर खुल गया. कम एंड चेक इट आउट. आसिफ, नाथ की आवाज को रजा भाई वाली टेलीफोन बातचीत से मैच करो. नाथ का वॉइस सैंपल कहाँ मिलेगा? पब्लिसिटी का बहुत शौक है उसे. उसके टेलीविजन चैनल पर. श्योर. बख्शी, आपने पूछना तो चाहिए था कि वो अनु के बारे में क्या कहना चाहती है. रिलैक्स अंजलि, फोन फिर आएगा ना? नहीं आया तो पता नहीं वो दोनों कहाँ हैं. बख्शी, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं ना. हेलो. हाँ, एक मिनट प्लीज, फोन मत काटिए. बोलिए. जी हाँ, मैं अनुरित प्रकाश बोल रहा हूँ. हाँ. क्या आपको मालूम है आप किससे बात कर रही हैं? तो बकवास बंद कीजिए आप. ओके, देन यू कैन गो टू हेल. क्या हुआ? हिम्मत देखो इसकी.
मोनिका और अनु कहाँ हैं? पता नहीं, लेकिन इसको पता है कि अनु वो ड्रग्स में। धमकी दे रही थी किसी टीवी चैनल पे न्यूज़ दे देगी। डिमांड क्या उसकी? पता नहीं, पूछा नहीं। पूछा नहीं? हाँ, पूछा नहीं। अरे पर Yes? Hi, रोमा घर पर है? आप? मैं टीना, रोमा की फ्रेंड। Hi, I'm सेजपाल। रोमा अंदर तैयार हो रही है। Hi, टीना। Oh, hi, रोमा, thank God तुम अभी घर पर हो यार। तुम्हें याद है ना ये ड्रेस चेंज करवानी है? मुझे आज संडे को भी ऑफिस जाना पड़ रहा है। प्लीज तुम इसे अपने साथ ले आना, मैं मिलती हूँ ना तुम्हें ऑफिस के बाद मॉल पर ही। श्योर, नो प्रॉब्लम। आंटी कैसी हैं? आंटी फर्स्ट क्लास हैं, तुम्हें बहुत याद करती हूँ। रोमा टीना, मैं जरा 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ, प्लीज तुम बैठो। ओके, एक्चुअली मैं तो बस ये बैग ड्रॉप करने आई थी। नहीं नहीं, आप बैठिए ना थोड़ी देर। आई विल जस्ट बी बैक। ओके प्लीज। I was wondering, आपने कौन सा परफ्यूम पहना है? Is it La Rouche? Yeah. I love this one. मेरे ख्याल से हर खूबसूरत लड़की को यही परफ्यूम पहनना चाहिए। Thank you. तो आप रोमा की फ्रेंड हैं? जी जी हाँ। कब से? बचपन से, जब से हम दोनों छोटे छोटे थे। क्या नाम बताया था आपने? टीना। राइट, टीना। टीना, आई हैव अ प्रपोजल फॉर यू। एक्सक्यूज मी? नथिंग पर्सनल, स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल। आप दुनिया भर में घूमना पसंद करेंगे? ऑल अराउंड द वर्ल्ड। क्या मतलब? See, I have an eye for these things. And I think कि आप मेरी एयरलाइन के लिए परफेक्ट हैं। आपकी खुद की एयरलाइन है? अगले ही महीने ऑपरेशन होने जा रही है। A global airline for the global Indian. Roma, you're looking stunning. Isn't she? Absolutely. Thanks. रोमा, अगर तुम अभी निकलो तो टाइम पे पहुंच जाओगे। हाँ हाँ, सो व्हाई नॉट। मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, साथ में निकलते हैं। लेकिन रोमा, तुम्हें पायल को भी तो ड्रॉप करना है ना? या एक्चुअली तुम निकलो ना टीना, वरना तुम्हें लेट हो जाएगी। तो ठीक है, शाम को पैकेट लाना मत भूलना। इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू टीना। थैंक यू, लेट मी सी यू आउट। बाय। अला मी, कौन है ये टीना? मेरी पुरानी दोस्त है। अच्छा, मुझे तो किसी और की याद दिला रही है। You know what I mean? What are you doing? Magic. Magic. You know what I mean? How original. बेवकूफों की तरह बैठे हुए हैं। ये तुम्हारा रजा जहाज भेज भी रहा है या नहीं? जहाज में भेजने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। रजा खलीफा का पुराना वफादार है। तो फिर क्या तुम्हारा जहाज अमेरिका होकर आएगा? सब्र से काम लेना सीखो उस्मान। अब्बू, मुझे तो बस आपकी सेहत की परवाह है।
उस्मान, उस्मान, क्या ये इंजेक्शन श्रीनगर में मिल सकते हैं? नहीं, अमरीकी इंजेक्शन है, यहां पर नहीं मिलेंगे। बुरा, पानी लेकर आ। उस्मान, अपनी नजर पर काबू रखो, बुरी नजर सब बर्बाद कर देती है। उस्मान, कभी कभी उस्मान में शैतान का चेहरा नजर आता है, भरोसा नहीं कब क्या कर बैठे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल पाएगा? उस्मान जी, खालिद उस्मान को भेजो। बैठो खालिद, तुम बाहर जाओ, दरवाजा बंद कर देना। हेलो वरुण, वरुण बहुत बुरी खबर है, उसामा हिंदुस्तान में है। क्या? उस्मान जफरुल्ला के साथ कश्मीर में है, श्रीनगर के पास। उसामा हिंदुस्तान में? बहुत खतरनाक प्लान है दिल्ली को तबाह करने का। कैसा खतरा? क्या होगा दिल्ली में? अभी कुछ पता नहीं, खबर मिलते ही फोन करता हूँ।